पाकिस्तान की 60% आबादी गरीब है और 40% आबादी फौज है। अमीरों का पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। वो अपने बच्चों को मुसलमान करवाने भी लंदन भेजते हैं। बाजवा साहब ने अपनी अलविदाई तकरीर में कहा था, फरवरी 2022 फौज ने फैसला किया है कि वो सियासत से परहेज करेगी। बहुत अच्छा फैसला है। इसका मतलब है 74 बरस फौज ने सियासत से बदपरहेजी की। बदपरहेजी का मतलब है बेएतदाली, बेएहतियाती, ऐश, फजूल खर्ची। ऐसा नहीं होना चाहिए था। आप अंदर तक पढ़ते रहिए या आपसे सुनने आए? शाह साहब, ताल्लुक MQM से है, मैं कैसे पढ़ते रहूं? आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने कहा था, 83 बरस की उम्र में हमेशा मैंने कपड़े खुद अपनी मर्जी से उतारे हैं। फौज हमारी जरूरत है क्योंकि हमारे पड़ोसी बहुत खराब है, हम भी कुछ ज्यादा अच्छे नहीं हैं। इसीलिए फौज कभी सरहद की तरफ देखती है, कभी अपने मुल्क की तरफ, फिर सोचती है मैं उधर जाऊं या इधर जाऊं, बड़ी मुश्किल में हूं मैं किधर जाऊं, फिर इधर आ जाती है। बेरोजगारी, बदहाली, महंगाई, परेशानी, पशेमानी, उदासी मुल्कों पर बादलों की तरह छा गई है। किसी को एहसास ही नहीं कि वो इस मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं। कर्जा मिल जाता है तो ऐवान तालियों से गूंज जाते हैं। इसके बावजूद अहमद शाह का इसरार है मैं पाकिस्तान पर बात करूं, पाकिस्तानी कहानी सुनाऊं। हालात बदल गए शाह साहब, जो दिल में है, जो है जबां पे दिल को नहीं उससे फायदा, जो है जबां पे दिल को नहीं उससे फायदा, जो दिल में है वो ला नहीं सकते जबान पर। कुछ उल्टा सीधा बोलकर अपने कपड़े पंजाब पुलिस से नहीं उतरवाना चाहता। पाकिस्तान 75 का हो गया, मैं पाकिस्तान से 8 बरस बड़ा हूं। मेरी इन गुनाहगार आंखों ने पाकिस्तान को परवान चढ़ते कम और परवान उतरते ज्यादा देखा है। गरीब गरीब तरीन हो गए, अमीर अमीर तरीन। 14 अगस्त 1947, नया मुल्क, नया आसमान, खूबसूरत सरजमीन। 24 साल बाद आधी जमीन बंगालियों ने वापस ले ली। आधी जमीन जो बची थी वहां लोगों ने खरीद ली या बेच दी। अब सरजमीन में से सिर्फ जमीन गायब हो गई है, अंग्रेजी वाले सर बच गए जिनके पास खरीदी हुई जमीन है। बेचारे गरीब मजबूरन उनसे कहते हैं, सर जमीन कहां गई? इसके बावजूद पाक सरजमीन शाद बार सुनकर खामोशी से खड़े हो जाते हैं, परचमे सितारों और हिलाल से आंसू पोंछते हैं और अंधेरों में गुम हो जाते हैं। कहानी पाकिस्तान की सुनेंगे आप? किस्सा मेरा सुनोगे तो जाती रहेगी नींद, किस्सा मेरा सुनोगे तो जाती रहेगी नींद, आराम चश्म मत रखो इस दास्तां से तुम। ये कह के जो रोया तो लगा कहने न कह मीर, सुनता नहीं मैं जुल्म रसीदों की कहानी, कहानी जुल्म रसीदों की है। मुझे शाह साहब की बात याद आ गई। अनवर भाई, आपको बोलने का चेक जब मिलेगा? जब आप लोगों को खुश और हंसता हुआ रखेंगे। शाह साहब, जो काम हुकूमत का है वो मुझसे क्यों सौंप रहे हैं? हुकूमत का काम है लोगों को खुश रखना और हंसता हुआ रखना। हुकूमत ने अवाम को हंसता हुआ तो रखा है, अवाम वजीर आजम और तमाम वजीरों के बयानात पर घंटों हंसते रहते हैं मगर खुश नहीं है। पाकिस्तान की कहानी एक फिल्म की तरह है जो 75 साल से चल रही है। हिदायतकार पंजाब, हिदायतकार पंजाब, शूटिंग बलूचिस्तान में हुई है। पसे पर्दा मौसीकी, आर्मी का बैंड। फिल्म का इंटरवल 1971 में होता है जब मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। इंटरवल के बाद
फिल्म एक मिली नगमे से शुरू होती है, ऐ वतन के सजीले जवानों। इसके बाद फिल्म का हीरो जो सिंधी है एक बढ़ई के पास जाता है और उससे कहता है एक ऐसा तख्ता चाहिए जिसको उल्टा न जाए। बढ़ई एक तख्ता बनाकर देता है जो 6 फीट चौड़ा और 4 फीट लंबा है, उसके दरमियान 3 फीट और 2.5 फीट का सुराख है। बढ़ई कहता है इस तख्ते को कोई उलट नहीं सकता, मगर इस तख्ते के दरमियान जो सुराख है तुम उसके नीचे जा सकते हो। इस मंजर के बाद आर्मी बैंड है, मर्द मुजाहिद जाग जरा, अब वक्त शहादत आया बजाता हुआ गुजर जाता है। फिल्म के आखिरी मंजर में एक आदमी अमेरिका से पैसे मांग रहा है, चीन से पैसे मांग रहा है, बरतानिया से पैसे मांग रहा है, सऊदीया से पैसे मांग रहा है, यूएई से पैसे मांग रहा है और कह रहा है अगर तुर्की से कर्जा मिल गया तो कसम खुदा की आप सबके पैसे हम वापस कर देंगे। एक छोटा बच्चा आता है और वो आकर एक शेर पढ़ता है, खुदा से मांग जो कुछ मांगना हो ऐ मुफलिस, खुदा से मांग जो कुछ मांगना हो ऐ मुफलिस, यही वो दर है कि जिल्लत नहीं सवाल के बाद।